अरब सागर में इसराइल के तेल टैंकर पर हुआ ड्रोन अटैक। ईरान ने दी थी धमकी तेल टैंकर को उड़ाने की। अमेरिकी नौसेना ने की है इस बात की पुष्टि। अब इसराइल ने भी एक तरीके से ईरान पर अटैक करने की दे दी है चेतावनी। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही, ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर से टकराहट बढ़ गई है। दरअसल अरब सागर में इसराइल के तेल टैंकर पर एक घातक हमला हो गया है, जिसकी पुष्टि अमेरिकी नौसेना ने की है। दरअसल ड्रोन से जहाज को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि अरब सागर में ओमान तट के पास तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया है। इनमें सवार दो लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी अमेरिकी सेना ने शनिवार को दी है। तेल टैंकर मर्सल स्ट्रीट पर गुरुवार रात को हुआ हमला ईरान के साथ उसका परमाणु समझौते टूटने को लेकर उत्पन्न तनाव के चलते क्षेत्र में व्यावसायिक नौवहन पर कई वर्षों बाद यह पहला घातक हमला है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है, लेकिन ईरान एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में इसमें शामिल है और यही कारण है कि इसराइल ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है। इसराइली अधिकारियों ने ईरान पर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया। उधर ईरान ने प्रत्यक्ष रूप से इस हमले की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की। खास बात यह है कि हमला ऐसे समय में हुआ जब तेहरान पश्चिम के साथ और भी सख्त रुख अपनाने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के प्रति कट्टर समर्थन जताता भी दिख रहा है। अमेरिकी नौसेना के पश्चिमी एशिया स्थित फिक्स फ्लीट ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा है कि परमाणु शक्ति चलित अमेरिका विमानवाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिज्जर अब मर्सल स्ट्रीट की सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंचने तक उसका मार्ग रक्षण कर रहे हैं। और इससे एक दिन पहले ही तेल टैंकर का प्रबंध करने वाली कंपनी ने बताया है कि हमले में चालक दल समेत दो लोगों की मौत हो गई है जो ब्रिटेन और रोमानिया के निवासी थे। दरअसल आपको बता दें, इनमें दो लोगों की मौत हुई है और इसराइल इस पर भड़का हुआ है। उसने ईरान को चेतावनी दे दी है कि इसका सीधा बदला लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ये ड्रोन अटैक किसने करवाया है। ईरान का कहना है कि फिलहाल उसने इस तरीके के ड्रोन अटैक नहीं करवाए हैं, जबकि इसराइल की तरफ से स्पष्ट ये कह दिया गया है कि आप नहीं करवाया। हालांकि अब जाँच शुरू हो चुकी है और अमेरिका ने इस जाँच में सीधा सहयोग देने की भी बातचीत कह दी गई है। नौसेना के विस्फोट की विशेष जाँच पोत पर जाँच करेंगे और इसमें एक तरीके से सुनिश्चित चालक दल समेत कई लोगों को जान खतरा न हो हमले की जांच सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि शुरुआती संकेतों से साफ लग रहा है कि ड्रोन से किया गया हमला है और इस समय ईरान और इसराइल के बीच छद्म युद्ध छिड़ा हुआ है। और पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में एक पक्षीय तरीके से समझौते से हट गए थे और इसके बाद क्षेत्र में जहाज़ों पर कई हमले हुए थे और इसका संदेह ईरान पर ही जा रहा है। यानी इसके पहले भी जो हमला हुआ था उसमें भी ईरान के हाथ निकल के आए हुए हैं। इस वजह से न केवल बल्कि अमेरिका भी ये संदेह जता रहा है कि ये ड्रोन अटैक ईरान ने ही कराए हैं। तो दोस्तों, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम